गाइस अस्सलाम वालेकुम। सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। और मैंने मम्मा ने मुझसे वादा किया था, मैं ना आपके कब स्कूल खुलने वाले होंगे ना, मैं आपको बैग लेके दूंगी। अभी तक मम्मा ने नहीं ले। अच्छा, तो मेरी शिकायतें लगाती रहती हो। मम्मा छुट्टियों का बस 5 दिन रह गए। हाँ, तो बैग दे के स्कूल भेजूंगी ना। मुझे नया बैग चाहिए। चल जी गाइस, कहती मम्मा मैंने आपके ना वीडियो स्टार्ट किया। मुझे न्यू ज्योमेट्री चाहिए, न्यू बैग चाहिए। बस अगर मैं ना लेके दूं तो मैं आपके साथ कभी बात नहीं करूंगी। मतलब ही बेटी चले जी, जरूर लेके दूंगी। कह रही मम्मा मैंने ना वीडियो जो हो ना मैंने आपकी स्टार्ट किया करनी, सब यानी कि ना अपने बच्चों से वीडियो स्टार्ट करते। मैंने खुद कहा मम्मा मेरी वीडियो बनाओ, मेरी वीडियो बनाओ। तो दूसरा पहले सट माँ की लगाई है शिकायत। बैग कैसा चाहिए? मुझे यूनिकॉर्न वाला चाहिए। एक यूनिकॉर्न की मुझे समझ नहीं आती, वो कौन सी बला है? वो बहुत क्यूट सा घोड़ा होता है, रंग बिरंगा होता है। यहाँ से मिल जाएगा हमारे से? और क्या नहीं मिलेगा। चले जी ठीक है गाइस, हानिया की विश है। इस बार बैग नहीं लेके आई है ना, टायरों वाला नहीं लेके आना। हाँ, वो इतना वजन बुक्स का कंधों पे उठा लोगी? पता नहीं, पैरों वाला हर दफा लेते हैं। चले जी, और कोई विश? और मेरी ये एक विश है, 14 अगस्त की चीजें मैंने लेनी है। यार तू वो फरमाइश, तू माँ के साथ कोई वीडियो बना, कोई अच्छी बात शेयर कर। तू मैंने 14 अगस्त वाली भी चीजें लेनी है। तूने अपनी? चले ठीक है, वो भी मिल जाएंगी। बस दो बस फिर उसके बाद कोई नेक्स्ट मांगी तो फिर गाइस ये हाथी मेरा साथी, सही है। एक वाटर बोतल है। हाँ। वो मुझे मम्मा ने लेके दी थी। चलिए शुक्र है, कोई चीज तो हमारे पास है ना। साल के बाद बैग लेते हैं। ये पता चल गया था पानी गर्म है, जो ठंडा उससे ना सुबह से लेके रात तक ठंडा ही रहता है। चलो ठीक है, हाँ मैंने बोतल लेके दी थी। अच्छी कलर ना उतार मैडम। गाइस तो आप लोग दोबारा से बता दें, मैं अपना चैनल बनाऊँ ना? नहीं, चैनल नहीं, कोई नहीं मानता चैनल बनाने में। आप थोड़ा सा बड़े हो जाओ फिर बेशक बना लेना। अभी तो गाइस मैं ये ना ये सोचती हूँ, मैं गिनती रहती हूँ संडे कब आएगा, संडे कब आएगा। मैं उंगली मेरा संडे ला करे स्कूल खुल जाए। मैं कहती हूँ जुमेरात जुमा हफ्ता तो आ रही है, गिनती रहती हूँ मैं। कमी यही जन कमी लाद मेरी, ना मजा ना स्वाद, ना मजा ना स्वाद। ठीक है मम्मा, हमारे पास पॉकेट मनी तो है इतनी ज्यादा। गाइस हमारे पास देखे कितने पैसे हैं, है ना। इससे हमारा सारा कुछ आ जाना है, इससे तो एक टॉफी। चले जी गाइस, अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर लूं। तूने तो अपनी बड़ी शिकायतें लगा ली, चीज आपकी ऑफर कर दी। ठीक है ओके, एक बात करनी है लोगों से। हाँ जी, चैलेंज कब देंगे? चैलेंज वो तुमने यूट्यूब वाला तो पूरा किया नहीं, पहले वो वाला पूरा कर। कौन था चैलेंज? जो हमने तुम्हें कहा था यूट्यूब बना के दिखा। चल ओके, मैं भी बना के दिखा। चल ठीक है वो बना। चल चल चले जी गाइस, ये मैंने बनाया, जो मेरा हेयर ऑयल मैंने बनाया हुआ है। तो अब मैं ये लगाने लगी हूँ हानिया के, और अपने सर पे भी मैं लगाऊंगी। इसमें मैंने 2 ऐड की हुई, ये कैप्सूल मैंने ऐड कर दिए। ये देखिए 2, ये वाले विटामिन ई के। तो ये मैंने, ये ख़त्म हो गया, तो 2 ही थे 2 ही मैंने इसमें ऐड कर ली। ये मैं अपने और हानिया के ना बालों की सिर्फ जड़ों पे लगाना है, बाकी नहीं, सिर्फ जड़ों में लगाऊंगी, ताकि ना बाल, कुछ मौसम ऐसा है बाल उतर रहे हैं, तो इसलिए ना फिर मैंने सोचा कि ये वाले कैप्सूल ऐड करूं। तो ये वाले मैं अपने और फिर हानिया का अच्छे से मसाज करूँगी, उसके दिमाग में अपने भी और इसके भी। थोड़ा सा इसमें ना यह बड़ा ऑयल और ऐड करूँगी, ताकि ये ऑयल काम है हम दोनों के लिए। फिर इसमें ये वाला ऑयल ऐड करूँगी और ज़्यादा, फिर अपने और हानिया के अच्छे से लगाऊंगी। जी गाइस ये है जी मेरा किचन, नहायत ही गंदा। तो आज मैंने इसका सारी टोटल सफाई करने लगी हूँ। दरअसल लाइट चले गई है, जिसकी वजह से आप लोगों को ना ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन है भी बहुत गंदा हुआ पड़ा है। तो इसको सारे बर्तन निकालने लगी हूँ किचन से टोटल बर्तन निकाल के, फिर हम अच्छे से किचन और ये वाली चीज़ें सारी हम लोग वॉश करूँगी मैं। वॉश करने के बाद ये शीशा साफ़ करना है, फिर घर किचन की दोबारा सेटिंग करनी है। तो वो मैं फिर, अब जब मेरा पूरा किचन सेट हो जाएगा ना,
फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ से बर्तन उठाए हैं, अब ये वाला उठाने लगी हूँ, फिर ये वाले बर्तन और ये सारा निकाल के इनको धोऊंगी। बर्तन को फिर अच्छे से ड्राई करेंगे, फिर किचन जब बिल्कुल साफ़ हो के खुश्क हो जाएगा ना, बिल्कुल फिर कब बर्तनों की सेटिंग करूँगी। ताकि मैंने कहा किचन की सफाई मैं कर दूँ। ये देखिए शीशा भी आज मेरा बहुत गंदा हुआ पड़ा है, आज शीशे को भी फिर अच्छे से साफ़ करती हूँ। आज तकरीबन मेरा सारा दिन किचन में लग जाना है। चलो जी गाइस, मेरा पहले भी आप लोगों ने किचन देखा था नहायत ही गंदा, और आज मैंने सारा किचन देखे अच्छे से, सारा सामान निकाल कर मैंने इसको टोटल वॉश किया। मैंने इसके सारे बर्तन आज धोए हैं, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, तो आज देखिए माशाल्लाह से किचन साफ़ हो गया। नीचे से ये भी धोई है, और इसमें फरनैल के साथ फरनैल और सर्फ मिक्स करके नीचे धोया सारे बर्तन। ये देखें चमक रहे हैं ना मेरे बर्तन, चमक धमक रहे हैं। ये देखिए सारी मैंने सेटिंग की, किचन साफ़ हो गया, समझो हर चीज़ साफ़ हो गई। लेकिन अब ये ना सिर्फ ओवन रह गया, कल ओवन को साफ़ करना है अंदर से ना, वो मैं खुद अच्छे से साफ़ करूँगी। तो ये है जी ऑयल रंग बिरंगे, इनको यहाँ से उठाना है, तो इनको उठा के मैं ना कहीं और जगह शिफ्ट करती हूँ। तो बस ये ऑयल, बाकी कल ओवन साफ़ करूँगी, बाकी सारा किचन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत प्यारा साफ़ हो गया। तो कल सारा घर वॉश करना है, मैंने सारा घर वॉश करना है कल। तो आज मैंने कहा पहले किचन फिर बाकी काम। मैंने अपने बर्तन बड़े मांजे हैं, जो चंगी कुची लै के ना उन्होंने बस फिर मैंने चंगे तरीके ना मांजे हैं। गाइस इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड। तो सबसे पहले ये बोलूँगी, झूठ बोलने वाले पे अल्लाह ताला की लानत होती है। मैं कहती हूँ कि जिसने ये अफवाह फैलाई है, जिसने ये झूठ बोला है, अल्लाह ताला उसको सख्त से सख्त सजा दे। जो जिसने ये बोला है कि सैमा की जो बर्थडे है ना, वो होटलों में जाके ना मनाई गई है, धूमधाम से मनाई गई है, तो मैं उसे ये बोलूँगी कि अगर आप लोगों को हज़ारों लोग सुन रहे होते हैं, आप लोगों की बातें सुन रहे होते हैं लोग, तो फिर साथ ना आप लोग प्रूफ दिया करें, सही हो गया ना, वरना फिर झूठ बोलने वाले की अल्लाह की लानत होती है। मुझे मेरे घर में किसी ने विश नहीं किया, ताकि ऐसा कोई हमारे घर में ना कोई माहौल था ना कोई सीन था जो हमें मेरी बर्थडे मनाई जाती, समझ आई। हाँ यूट्यूब फैमिली मुझे ने सब ने मुझे बर्थडे विश किया, हर बंदे ने, मैं कहती हूँ जो मुझे पसंद करते थे नहीं पसंद भी करते थे, हाँ उन्होंने मुझे सब ने ज़रूर मुझे मैसेज किए हैं, उन्होंने मुझे ज़रूर विश किया, उनकी मैं शुक्रगुजार हूँ। बाकी मैंने तो सब्र कर लिया है। जो लोग कहते हैं मुझ पर तनकीद की जा रही है जो कि सैमा ऐसे करती है सैमा वैसा करती है, मैं कहती हूँ फिर अल्लाह ताला, मैं अब ये तो नहीं पलट के कह सकती कि अल्लाह करे तुम लोगों के साथ भी ऐसा हो, ये वाला अल्फाज नहीं मैं यूज़ कर सकती। मैं ये करूँ कि अल्लाह ताला तुम लोगों को ना हदायत दे, सही हो गया ना। जलने सड़ने हसद करने से कुछ नहीं हासिल होता। अगर किसी को बुरा कुछ कह नहीं ना सकते तो अपनी फिर जबान भी बंद कर लेनी चाहिए। आप लोग कहते हैं कि हम आपको अगर ऐसा कमेंट्स करते हैं, आप लोगों ने बोला कुछ लोगों ने कि हम आप लोगों को अगर ऐसा कमेंट्स करते हैं तो हम आप लोगों को देखते भी हैं, तो देखने का मतलब ये नहीं, आप फिर तमाशा देखने आते हैं तो देखने का मतलब फिर ये नहीं होता कि अगले बंदे के ऊपर तनकीद करें और उसको चार सुना के जाएं। कितनी बुरी बात है, बिला वजह। जब तक आपको किसी की हकीकत का ना पता हो तो अपनी फिर जबान भी बंद कर लेनी चाहिए। उसके लिए अगर आप अच्छा नहीं कर सकते, बुरा भी नहीं बोलने का आप लोगों को किसी के साथ हक नहीं है। बाकी किसी ने किसी के साथ अगर बुरा किया है या कोई मुखफाते अमल है, उसका जो भी है ऊपर रब की ज़ात बैठी है इंसाफ करने वाली, ठीक हो गया ना। तो खुदाया आप लोगों को भी दूसरा ऊंचे अल्फाज ना बोला करे, आप लोगों के घरों में भी माँ बहन बेटी है, उनके हक में दुआ किया करे। जो बोया होता है वही इंसान एक काटना होता है, ठीक हो गया ना। जो किसी को दिया है वही वापस आना है, और जो बोला है वही पलट के तुम लोगों के पास आना है। तो आप लोग कहते हैं कि हम आपको देखते नहीं, हम आपको व्यूज नहीं देते, भाई मैंने तो किसी को मैसेज ही नहीं भेजा। अगर मेरे बस में हो तो मैं तो पूरी दुनिया से कहूँ कि यार आके आप लोग मेरी वीडियो देखो। मैंने किसी को ये पैगाम दिया कि मेरी आओ सारी पाकिस्तान के जितने भी ये पाकिस्तान है बल्कि पूरी दुनिया से मैंने कह रही हूँ कि आओ आके मेरी वीडियो को आप लोग वॉच करें, ये वाला अल्फाज मैंने तो कभी नहीं बोला।
ना मुझे पता है कि आप लोग कहाँ से हैं कि नहीं है, वो भी तो लोग हैं ना जो अच्छे हैं, नीचे से अच्छी बात करके चले जाते हैं, अच्छा सबक दे के चले जाते हैं। कुछ ज़्यादा लोग नहीं हैं, 5-6 ही हैं। इनको या तो कोई ये मेरी अपनों से हैं जो इतना ज़्यादा जलील ख्वार करते हैं, ताकि गैर जो होते हैं ना वो कभी ऐसा नहीं करते, ताकि मुझे पता है मैं एक जैसे इनको ब्लॉक करती हूँ ये दूसरे पर मुंह उठा के आ जाते हैं। ये कोई गैर नहीं है, ये मेरे अपने। मैं कहती हूँ खुदा करे फिर जो अगर तुम लोगों किसी की बेटी के लिए इतना कहते कि अच्छा हुआ हमने तो दुआ, शर्म नहीं आती आप लोगों को ये अल्फाज बोलते हुए? मैं तो लड़ लड़ के थक गई हूँ कि दूसरा हमें तो बहुत दिन से ये दुआ कर रहे थे, हमने तो स्पेशल दुआ की अल्लाह करे सहमा का घर उजड़े। कितनी बुरी बात है किसी के लिए ये अल्फाज करना, पता कितना मुश्किल है घर अपना दूसरा किसी के ये बोलना कि फनाक की बेटी का घर उजड़ जाए। ये उनसे उनसे पूछ के देखो, उनके माँ बाप से पूछ के देखो कितना उनके लिए मुश्किल होती है। ठीक है तुम लोग आते हो बकवास करके चले जाते हो कि हमने तो, मुझे एक औरत पे इतना गुस्सा है, उसने कहा मैं तो बड़ी अरसे से दुआ करी, तुम्हें मेरे साथ क्या दुश्मनी है, हैं क्या तेरा मैंने बिगाड़ा, तुम मुझे आके कह के गई हो कि मैं तो स्पेशल तुम्हारे लिए ना क्या किया, दरबार पे जाके मन्नत मांगी, तो मेरा दूसरा तेरा ईमान सिर्फ दूसरा दीवारों क्या कहते हैं दरबारों पे आके रुक गया, मेरा ईमान दरबार वाला नहीं है, मेरा ईमान मेरा दूसरा अल्लाह है। ठीक है मेरा अल्लाह, मेरा नबी और मेरा कुरान, मेरा ईमान ये है। तो तुम्हारा ईमान सिर्फ यही रह गया कि दूसरा मैं दरबार पे जाके मन्नत मांगी थी कि सैमा का घर उजड़ जाए तो मैं आके ना यहाँ पे देग उतारूंगी। मैं कहती हूँ कि तू डूब के मर जा, तेरे लिए मैं यही बोलूंगी अल्फाज कि तू डूब के मर जा। किस हद तेरा मेरे साथ भाई, किस चीज़ का वैर है, किस चीज़ की तुम्हारे मेरे साथ दुश्मनी है? मैंने उन लोगों का मैं यहाँ पे एक दिन ज़रूर शुक्र अदा करूँगी जिन्होंने मुझे पर्सनली, मैंने जिन लोगों के साथ मैंने बात की उन्होंने मुझे बड़ा हौसला दिया और हिम्मत दी, उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ हैं। इंशाल्लाह ताला कभी ज़िंदगी में वक्त मिला मैं उनका आप लोगों के सामने सबके सामने उनका दूसरा बोलूँगी कि वो कुछ लोग इस दुनिया में जिसको हम बाज़ दफ़ा बुरे समझ रहे होते हैं, मैं ये बोलूँगी कि वो हमारे लिए फ़रिश्ता, मेरे लिए वो फ़रिश्ता है जिन्होंने मुझे इतने अच्छे से मेरे साथ, मैं बहुत डरते डरते थी, मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहूँगी, वक्त आने पे मैं उनका नाम लूँगी, अभी मैं उनका नाम नहीं शेयर कर सकती। मैं डरते डरते उनको मैसेज किया, मैंने उनको डरते डरते ही मैसेज किया, लेकिन उन्होंने मुझे इतने अच्छे से जवाब दिया और इतना उन्होंने मुझे हौसला दिया, तो मैं कहती हूँ कि मैं पता नहीं कितने परसेंट मैं ठीक हो गई हूँ, लेकिन मैं शर्मिंदा थी उससे कि मैं कैसे बात करूँ, लेकिन मैंने जैसे ही मैसेज किया उन्होंने मुझे बड़े अच्छे से दिया। मैं कहती हूँ कि मेरे लिए वो फरिश्ता है, कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो मैं उनको बहुत ही अच्छे और सुनहरे अल्फाजों में मैं यहाँ पे उनका नाम लिखूँगी, लेकिन अभी नहीं मैं लिख सकती, ताकि अल्लाह ताला उनको अजर दे और हिम्मत दे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, उनको हज़ारों खुशियाँ दे। तो मेरी इसकी मैं उनके लिए दुआ दे रही हूँ, मुझे पता है वो मेरी वीडियो लाजमी देखेंगी, वो समझ जाएंगी, तो अल्लाह ताला उनका बहुत बहुत क्या बोलूँ उनका भला करे। मैं कहती हूँ अल्लाह उनको हज़ारों खुशियाँ दे। मैं बहुत डर के मैंने मैसेज किया लेकिन मुझे उतना ही अच्छा रिस्पांस मिला, थैंक यू सो मच, लेकिन सॉरी मैं अभी आपका नाम नहीं ले सकती, लेकिन मेरे पास जब दुनिया के सबसे अच्छे मूड होगा और सबसे अच्छी जगह पर मैं होंगी और सबसे उस वक्त आपका मैं नाम पूरी दुनिया में आपका उस वक्त नाम लूँगी, तो इंशाल्लाह ताला आपकी उस दिन आपके नाम का स्पेशल टाइटल होगा, स्पेशल आपके दिन का वो मैं वीडियो बनाऊंगी, तो अभी नहीं मिल ले सकती, तो थैंक यू सो मच आपका। इसके साथ ही अपनी सैमा को इजाज़त दीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो 3-4 लोगों के अलावा, अल्लाह उनको हदायत दे, बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे लोग हैं, खैर इतने होने भी चाहिए, बाकी सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस लोग हैं, तो थैंक यू सो मच जिनका मैं व्हाट्सअप बोल दिया, जिनका मैं वो वहाँ पे नाम इंस्टाग्राम पे कभी कभार मैं नहीं कॉल उठा सकती या मैं कॉल नहीं उठा सकती, बाज़ दफ़ा ये होता है कि मैं क्या बोलते हैं नहीं मैसेज कर सकती, दरअसल मैंने फिर बिज़ी होती हूँ, घर का काम भी होता है, हानिया के भी आपको पता है कभी लेके आना, कभी छोड़ के आना, कभी कोई चीज़ लेने जानी, मार्केट के भी धक्के खाने पड़ते हैं, इस वजह से। इसके साथ ही अपनी सैमा को इजाज़त दीजिएगा, जो 4-5 लोग हैं मेरे लिए दरबारों पे आप ना जाएं, आप अपने लिए दुआ कर लें, मेरे लिए यही काफ़ी है, आप अपने दरबारों पे जाकर ना अपनी मन्नतें मांगें, मैं लेकिन मशवरा दूंगी दरबारों पे कुछ नहीं रखा हुआ,
तो आप लोग वही अपनी नमाज पढ़ के अल्लाह से मांगे हैं तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। इसके साथ ही अपनी सैमा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।